हेलो एवरीवन, वेलकम टू एभिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉइजन ब्रैकेट के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है। अगर मेरे पास दो फंक्शंस है एफ और जी, जो कि फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम के, तो जो पॉइजन ब्रैकेट है ऑफ एफ एंड जी इज गिवन बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट विच इज इक्वल टू समेशन ओवर के इज इक्वल टू वन टू एन डो एफ बाई डो क्यू के मल्टीप्लाइड बाई डो जी बाई डो पी के माइनस डो एफ बाई डो पी के मल्टीप्लाइड बाई डो जी बाई डो क्यू के। तो ये हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट है ऑफ एफ एंड जी। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर हम पॉइजन ब्रैकेट की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, पॉइजन ब्रैकेट इज एंटीसीमेट्रिक, इट शोज एंटीसीमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब एंटीसीमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझते हैं। अगर मैं ये f और g है इनकी पोजीशंस को रिप्लेस कर दूं, यानी कि f की जगह g लिख दूं, g की जगह f लिख दूं, तो ये टर्म हमारा क्या आएगा, माइनस नेगेटिव ऑफ दैट इनिशियल टर्म आएगा। देखो f और g का पॉइजन ब्रैकेट जो होगा वो माइनस ऑफ g एंड f का पॉइजन ब्रैकेट होगा। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं तो यहाँ पे भी पोजीशंस रिप्लेस होंगी, तो मेरे पास ये f और g वाला जो ये टर्म आया है ये कैसे आएगा जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, वो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले इसको, ये तो हमारा ये हो गया f और g का पॉइजन ब्रैकेट, और g और f का पॉइजन ब्रैकेट निकालने की कोशिश कीजिएगा, फिर माइनस आप लोग कॉमन लेंगे तो आप लोगों को पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f एंड g मिल जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको बाद में। दूसरा, हम इसमें कुछ फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट को डिफाइन करते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज है। जो फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट है वो इन तीनों इक्वेशन से हम डिनोट करते हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट विद अदर कोऑर्डिनेट और अ कोऑर्डिनेट विद इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड गिव्स अस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ वन मोमेंटम विद अदर और वन मोमेंटम विद इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास q की कुछ वैल्यूज है, मान लो q1 का पॉइजन ब्रैकेट विद q2, दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ ये कितना होगा, जीरो होगा, और q1 का पॉइजन ब्रैकेट विद सेम q1, q1 का पॉइजन ब्रैकेट विद q1 ये भी कितना होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से p1 का पॉइजन ब्रैकेट विद p2 और p1 का पॉइजन ब्रैकेट विद p1 ये भी कितना होगा, जीरो होगा। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए p1 p2 ले रखे हैं। यहां पे अगर हम कह रहे हैं n डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट q होंगे वो फ्रॉम q1 टू qn होगा। इसी तरीके से pn टू p1 टू p1 p2 डॉट 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 अप टू pn हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों। अब तीसरी वाले फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तीसरे वाले में क्या बोलता है, अगर हमारे पास QK और PL का पॉइजन ब्रैकेट कितना होता है, डेल्टा KL होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर K और L अगर हमारे पास इक्वल है तो ये पॉइजन ब्रैकेट कितना आएगा, वन आएगा, और K और L अगर अनइक्वल है तो हमारे पास, अगर यहाँ पे K इज इक्वल टू L है तो हमारे पास ये वन आ जाएगा, और K नॉट इज इक्वल टू L है तो हमारे पास ये जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी वन क्यू वन Q1 with Q2, Q1 with P2, अब Q1 का पॉइजन ब्रैकेट विद P2 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज K इज इक्वल टू वन एंड L इज इक्वल टू टू, सो K एंड L नॉट इक्वल। K यहाँ पे वन है और टू, L यहाँ पे टू है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो हमारे पास ये जीरो है। इसी तरीके से अगर मैं Q1 का पॉइजन ब्रैकेट निकालू विद P1, यहाँ पे देखो K भी वन है और L भी वन है, दोनों इक्वल है, यानी कि ये कितना देगा, मुझे वन देगा। तो इस तरीके से हमने तीन फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट को डिफाइन किया, तो आप लोग इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारे पास तीन फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं पॉइजन ब्रैकेट की, जो जब हम बोलते हैं कि एक फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट विद इटसेल्फ क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक फंक्शन का उसी के साथ पॉइजन ब्रैकेट निकालूं तो वो जीरो होगा। मान लो फंक्शन हमारे पास एफ है, तो एफ का पॉइजन ब्रैकेट विद इटसेल्फ, यानी कि एफ का पॉइजन ब्रैकेट विद एफ इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ अ फंक्शन विद एनी कॉन्स्टेंट इज जीरो। अब पॉइजन ब्रैकेट में किसी फंक्शन का
का ले रहा हूं किसी कांस्टेंट के साथ, तो वो भी कितना होगा? जीरो होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास सी कोई कांस्टेंट है, जी की जगह सी है यहाँ पे। अगर देखो तो अगर यहाँ पे जी की जगह सी सब्सटीट्यूट करूं तो यहाँ भी सी हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पी के क्या हो जाएगा? जीरो। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सी जी की जगह, क्योंकि सी है कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्यू के, ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म भी जीरो हो गया, ये टर्म भी जीरो हो गया, यानी कि जीरो माइनस जीरो हमारे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एनी फंक्शन विद एनी कॉन्स्टेंट इज जीरो, वेयर सी इज अवर कॉन्स्टेंट। अब कुछ आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ते हैं इसमें पॉइसन ब्रैकेट की। देखो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है और साथ में हमको उसका पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट करना है विद एनी अदर फंक्शन जी, वेयर एफ एंड जी आर फंक्शंस एंड सी इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होगा? पॉइसन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और हम इसको लिखेंगे सी मल्टीप्लाइड बाई पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ को बढ़ते हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, उनका सम है और तीसरा फंक्शन है, उनका पॉइसन ब्रैकेट निकालना है, यानी कि सम ऑफ टू फंक्शंस का विद एनी अदर फंक्शन के, देन दिस पॉइसन ब्रैकेट विल स्प्लिट इनटू, और वी कैन से दैट दिस पॉइसन ब्रैकेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पॉइसन ब्रैकेट्स, एफ एंड के का पॉइसन ब्रैकेट और जी और के का पॉइसन ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी। थर्ड आइडेंटिटी की तरफ को बढ़ते हैं, एफ और जी मल्टीप्लाइड बाई के, ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और किसी तीसरे फंक्शन के साथ अगर हम देख रहे हैं पॉइजन ब्रैकेट देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी, पहले इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट, के बाद में है तो इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और जी का पॉइजन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई के। अब यहाँ पे देखो अगर फिर एफ और के का पॉइजन ब्रैकेट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जी से, अब जी आगे लिखा हुआ है तो आप पहले जी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड के। ये आप लोगों को कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेशन रिलेशंस की तरह लग रहा होगा। कम्यूटेशन रिलेशंस में जो कम्यूटेशन में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस तरीके की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होंगी। अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन पॉइजन ब्रैकेट और कम्यूटेशंस, पॉइजन ब्रैकेट इन क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज कम्यूटेशन रिलेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स किस तरीके से रिलेटेड है, इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने लिखा है कि एक फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन अगर जीरो आता है तो वो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। मान लो कि एक फंक्शन एफ है जिसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट लूम है, अगर वो जीरो आ रहा है, अगर हैमिल्टोनियन के साथ किसी फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट जीरो है, वो फंक्शन हमारे पास एफ है, तो ये एफ हमारे पास जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर इसको सिंपली हम कहें कि किसी भी फंक्शन का हैमिल्टोनियन, किसी भी फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन अगर जीरो है, तो वो फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक ये समझ आया होगा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन्स ब्रैकेट को कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एफिलियन से जुड़े रहिए बाकी आने वाली वीडियोज़ के लिए भी, जिसमें हम और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।